राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हमीरपुर में राज्य स्तरीय हमीर उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीप प्रज्वलित किया। मेला ग्राउंड पहुंचने पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का पुष्प गुच्छ देकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मेला ग्राउंड में लगी प्रदर्शनियों का भी राज्यपाल ने अवलोकन किया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। इस उत्सव के दौरान मेला कमेटी द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में हमीरपुर खंड को 25,000 रूपए नगद व 1 ट्रॉफी, टौनी देवी खंड को द्वितीय पुरस्कार तथा भोरंज खंड को तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार के रूप में भोरंज खंड को 25,000 रूपए और 1 ट्रॉफी, हमीरपुर खंड को द्वितीय पुरस्कार तथा टौनी देवी खंड को तृतीय पुरस्कार प्रदान किए। PR TV के लिए हमीरपुर से पवन की रिपोर्ट।